क्या आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है? क्या आपकी स्किन बिल्कुल सूखी और ड्राई होने लगी है? क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं या तो पतले हो रहे हैं? क्या आप सुबह उठते हैं तो आपके बदन में सूजन और चेहरे पर और हाथों में सूजन महसूस होती है? और क्या आपको ज्यादा काम ना करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है? अगर ये लक्षण आपको फील होते हैं दोस्तों, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को ये लक्षण होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी कैसे होती है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज क्या है। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल दलाल, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसने पिछले 50 सालों में कह सकते हैं कि एक महामारी का स्वरूप धारण किया है और पूरे इंडिया में तकरीबन 11% पॉपुलेशन 11% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो थायराइड की इस बीमारी से ग्रसित है। तो आइए जानते हैं कि थायराइड का रोग किस तरह से होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं थायराइड क्या है। थायराइड नाम की ग्लैंड हमारे गले में यहाँ पे है, जो एक पतंगे के आकार की बटरफ्लाई के शेप की यहाँ पे ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और थायराइड की इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है हमारे शरीर में थायरोक्सिन नाम के हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करना, कि जिसकी मदद से हमारे पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, जो पाचन की क्रिया है, जो कार्डियक हमारी कार्डियक मूवमेंट्स है, हमारे मसल्स की मूवमेंट्स है, हमारी पाचन की पूरी क्रिया, शरीर को एक एक कोष तक जाकर शक्ति प्रदान करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और वो पूरी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो है उसमें थायरोक्सिन नाम के हॉर्मोन्स का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। अब थायराइड की क्रियाशीलता में जब कमी आ जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन नाम के हॉर्मोन्स का सीक्रेशन कम करती है। थायराइड ग्रंथि में दो हॉर्मोन्स होते हैं, T3 और T4। T4 को थायरोक्सिन कहा जाता है और T3 को ट्राई आयोडोथायरोक्सिन कहा जाता है। थायरोक्सिन T4 का रूपांतर T3 में होता है, थायरोक्सिन जो है वो ट्राई आयोडोथायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है। जब थायराइड की क्रियाशीलता में गड़बड़ी आ जाती है तो हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी नाम की जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी नाम की जो ग्रंथि है वो और हाइपोथैलेमस वो दोनों मिलके एक एक हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं हमारे ब्रेन में से, जिसे TSH कहा जाता है। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। ये TSH रेगुलर मात्रा में पैदा होता है जो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है T3 और T4 यानी कि थायरोक्सिन पैदा करने के लिए। जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन को पैदा नहीं कर सकती तब हमारे ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को ज्यादा प्रमाण में पैदा करती है कि जो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करे ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन पैदा करने के लिए। और इसी तरह से जब ये प्रक्रिया होती है तो ज्यादा मात्रा में TSH बढ़ता है और जो मैंने आपको लक्षण बताए वो लक्षण जब देखे जाते हैं और जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन यानी कि खून की जांच की जाती है तो ब्लड में TSH की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। और इस TSH की मात्रा बढ़ने के ऊपर से ये डिसाइड होता है कि जो पर्सन है उसको थायराइड है। थायराइड जो है वो उम्र के कोई भी तबके में हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि छोटे बच्चों को भी थायराइड हो सकता है, यंग एज में भी थायराइड हो सकता है, ओल्ड एज में भी थायराइड हो सकता है, जेंट्स या मेल को भी थायराइड हो सकता है, फीमेल को भी थायराइड हो सकता है। लेकिन थायराइड होने की जो समस्या है वो जनरली फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती है। और थायराइड की इस बीमारी को अगर समय रहते दवाइयों से और प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल से अगर इसको ठीक न किया जाए तो ये बहुत ही गंभीर स्वरूप धारण कर सकती है। गंभीर स्वरूप पे हमारे शरीर के काफी सारे अंग अवयव और मांसपेशियों को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि थायराइड जो है वो किस तरह से होता है, कि जैसे थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से ये रोग होता है। अब आइए हम जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में विक्षेप होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म होने का, वो सबसे पहला कारण आयोडीन की डेफिशिएंसी। हमारे खुराक में अगर आयोडीन पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं मिलता है तो भी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड होता है। पहले ये ज्यादा होता था कि आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो हमारे खुराक में ज्यादा रहती थी,
लेकिन आजकल हमारे खुराक में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे आयोडाइज नमक हम देखते हैं, उसके अलावा पोटेटो है उसमें से भी हमें आयोडीन मिल जाता है, मिल्क में से भी हमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल जाता है। एक एडल्ट बंदे की पूरे दिन की आयोडीन की रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम है, जो हमें हमारे फूड सप्लीमेंट से मिल जाती है। लेकिन आयोडीन की कमी तो एक कारण है ही, लेकिन आयोडीन की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाना भी थायराइड होने का एक कारण। दूसरा थायराइड होने का जो कारण है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी हमारे जो वातावरण में जो दूषित घटक मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो हमारे ब्रीदिंग के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू या सब्जियों के थ्रू, कोई भी खान पीन के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं। वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से ये थायराइड ग्रंथि जो है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या करते हैं, वो हमारी थायराइड ग्रंथि में से पैदा होने वाले थायरोक्सिन को ज्यादा मात्रा में पैदा नहीं होने देते। अगर थायरोक्सिन प्रॉपर पैदा होता है तो उसकी क्रियाशीलता में, उसकी जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, उसमें विक्षेप करके ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से जो है वो थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को कम करते हैं और हाइपोथायरॉइडिज्म नाम का रोग होता है। तीसरा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खुद में अगर उसकी क्रियाशीलता में, उसकी काम करने की प्रोसेस में अगर कुछ अड़चन, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ऑटो इम्यून सिस्टम की डिफॉल्ट की वजह से भी, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी थायराइड डिसऑर्डर होता है। चौथा कारण है हमारे ब्रेन में स्थित जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है, जो पूरी बॉडी के सारे हॉर्मोन, सारे अंतःस्रावों का नियमन करते हैं, अगर उसकी क्रियाशीलता में कुछ खामी आ जाए, कुछ कमी आ जाए, तो उसकी वजह से भी टीएसएच और टीएसएच का निर्माण प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से भी थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म नाम का रोग हो सकता है। उसके अलावा एक और कारण है कि गर्भवती स्त्रियों को भी थायराइड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जनरली हमने ये देखा हुआ है कि डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी भी हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है। जब हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म का सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्षण है कि बहुत जल्दी अपना वजन, बॉडी का वजन बढ़ने लगता है। ज्यादातर हम जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं वैसी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन अचानक से कुछ समय में ज्यादा वजन बढ़ने लगता है, तो ये हाइपोथायरॉइडिज्म का सबसे बड़ा एक लक्षण है। अब ये होने का कारण क्या है, थायराइड जो है उसमें से जो थायरोक्सिन पैदा होता है वो हमारी पाचन की क्रिया को करवाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, विटामिन है या ब्लड है, ये सारी चीजें जो बनती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो मोशन के द्वारा निकल जाता है, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन जब हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, थायरोक्सिन की मात्रा कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फैट का निर्माण ज्यादा होने लगता है, क्योंकि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म चलता नहीं है तो फैट का निर्माण ज्यादा होने लगता है और वजन बढ़ने लगता है। दूसरा, अचानक से स्किन जो है उसका मॉइस्चर चला जाता है। हमारी जो स्किन मॉइस्ट रहती है जनरली, वो मॉइस्ट नहीं रहती और पूरे बदन की स्किन है बहुत ही खुरदुरी और रफ और ड्राई हो जाती है। ये दूसरा एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाइपोथायरॉइडिज्म का। तीसरा, अनइवन हेयर फॉल होने लगता है, अचानक से आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप पूरा कंघी करोगे तो बहुत ज्यादा बाल हाथ में आने लगेंगे। जनरली सीजनल हेयर फॉल होता है, मॉनसून में ज्यादा हेयर फॉल होता है, लेकिन हाइपोथायरॉइडिज्म में पूरे साल बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है और बालों की जो क्वालिटी है वो मोटे से थिन होने लगती है, पतले बाल होने लगते हैं। चौथा कारण होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके चेहरे पे यहाँ पे आई बैग्स बन जाते हैं और चेहरे पे सूजन, हाथों में सूजन आना, ये महसूस होता है। पांचवा कारण, फटीग महसूस होना, मतलब के बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, इतना ज्यादा काम न करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा थकावट का महसूस होना, ये भी थायराइड का एक लक्षण है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण देखने मिलता है, लड़कियों में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, और जो रेगुलर डेट पे पीरियड्स आते हैं वो डेट पे रेगुलर नहीं आते। उसके बाद एक बहुत बड़ा लक्षण देखने को मिलता है जिसे हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज हो जाना। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस ठीक से न चलने की वजह से कब्ज रहती है पेशेंट को और सुबह प्रॉपरली अपना पेट क्लीन नहीं होता। उसके अलावा कुछ मेंटल कारण भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल नींद चली जाना, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक नींद ना आना या अर्ली मॉर्निंग जल्दी आँख खुल जाना, और उसके साथ साथ डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी डेवलप होने लगते हैं, जिसमें व्यक्ति को बहुत ही नेगेटिव और हानिकारक विचार भी आने लगते हैं, तो ये भी थायराइड का एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण लक्षण ये देखने को मिलता है कि हाथ और पैर जो है वो बिल्कुल ठंडे महसूस होते हैं, जैसे हम ऐसे टच करेंगे तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो जॉइंट्स हैं, जो हमारी बॉडी है वो ठंडी महसूस होने लगेगी,
उसके अलावा हाथ पैर में सूजन आना, और उसके अलावा जो है वो कुछ भी काम किया तो सांस ज्यादा चलने लगती है, ब्रेथलेसनेस महसूस होती है, ये भी हाइपोथायरॉइडिज्म का एक लक्षण माना जाता है। हाइपोथायरॉइडिज्म में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी वजह से बार बार सर्दी छींक आने का प्रॉब्लम भी हो जाता है, बार बार जुकाम हो जाता है, सर्दी होने लगती है, छींक आने लगती है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस प्रॉपरली न चलने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऐसे भी बढ़े तो उसको हमेशा याद रखें कि उसको थायराइड का टेस्ट हमेशा करवाना है, क्योंकि वो भी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा हमारा स्मेल, टेस्ट और हियरिंग में भी बदलाव आ जाता है, जैसे स्मेल करते हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव आता है, टेस्ट में भी बदलाव आता है, जैसे कुछ कुछ लोगों का तो बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो जाता है, और हियरिंग मतलब कानों की सुनने की क्षमता है उसमें भी परिवर्तन आने की पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों ये हमने बात की यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में कि ये रोग कैसे होता है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब जब हम एक कंसल्टेंट आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास इस तकलीफ को लेकर जाते हैं तो आपका थायराइड का टेस्ट किया जाता है, उसके अलावा कुछ विटामिन्स के टेस्ट भी किए जाते हैं, और आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और थायरोक्सिन नाम का हॉर्मोन जो है आपको पिल्स यानी कि टेबलेट के स्वरूप में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में थायराइड की क्या दवाई है, क्या थायराइड रोग आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। आयुर्वेद में हाइपोथायरॉइडिज्म को आप गलगंड या तो अपची नाम के रोग से पुकार सकते हैं। आयुर्वेदा में इसको कफ और पित्त का रोग माना गया है, और जठराग्नि मंद होने की वजह से ये तकलीफ होती है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नोः, तमाम रोग जो है वो हमारी जठराग्नि की मंद होने की वजह से होते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म में भी आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, आपकी पाचन क्रिया मंद हो जाती है। जब जठर का अग्नि मंद होगा तो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो जठराग्नि की मंदता की वजह से धात्वाग्नि भी मंद हो जाएगी। धात्वाग्नि क्या है? धात्वाग्नि मतलब हमारे शरीर की सात धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सातों सात जो है वो हमारी जठराग्नि पे डिपेंड है। अगर हमारा जठराग्नि अच्छा है, हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो शरीर में मांस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि, शुक्र, ये सारी चीजें प्रॉपरली मात्रा में बनेंगी। लेकिन जब मंदाग्नि होता है तो ये जठराग्नि और धात्वाग्नि मंद हो जाता है, उसी को हाइपोथायरॉइडिज्म कहा जाता है, जिसमें कफ और पित्त की अधिकता हो जाती है शरीर में और ये रोग होता है। अब इस रोग को ठीक करने के लिए जब आप एक आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएंगे, अगर आपको थायराइड 1 से 3 साल के अंदर में हुआ है तो आप 100% कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 साल से ज्यादा समय अगर आपको हुआ है तो भी आयुर्वेदिक दवाइयों से, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा की फूड हैबिट्स को फॉलो करने से आप अपने थायराइड के रोग से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको थायराइड हुआ है तो आपको पूरी जिंदगी उसकी दवाई लेनी है। आप आयुर्वेद के द्वार पे आइए, आयुर्वेदिक दवाइयों से हाइपोथायरॉइडिज्म बिल्कुल ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्साएं भी हाइपोथायरॉइडिज्म को क्योर करने में बहुत ही असरकारक और बहुत ही फायदा कारक सिद्ध होती है। जैसे कि वमन क्रिया कराई जाती है और नस्य क्रिया कराई जाती है। वमन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और नस्य जो है वो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो ये पंचकर्मा, आयुर्वेदिक दवाइयां और आयुर्वेदिक डाइट के माध्यम से आप अपने थायराइड रोग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग थायराइड के पेशेंट्स हैं उन लोगों को मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों की थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ जाती है, तो रात के समय पे कुछ नट्स हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, मुनक्का है, दो दो चार चार लेके उसको रात को भिगो के आप सुबह एम्प्टी स्टमक खाएं। दूसरा, जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो कभी भी रिफाइंड ऑयल न खाए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में जो रिफाइनरी की प्रोसेस होती है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स ही हैं, उसकी वजह से थायराइड की क्रियाशीलता में प्रॉब्लम होता है। तो थायराइड के पेशेंट्स जो है वो अपना खाना नारियल तेल में कुक करके खाएं या गाय के घी में कुक करके खाएं। उसके अलावा आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन भी कर सकते हैं कि जिससे आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में रह सकता है। जैसे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का नाम मैं आपको बताऊंगा, कांचनार गुगुल आप ले सकते हैं। कांचनार गुगुल एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसको सुबह शाम दो दो गोली के स्वरूप में खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर ब्लड जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसके लिए आप नवायास लो या पुनर्नवा मंडूर नाम की दवाई आती है, ये भी दो दो गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और दोस्तों ये सारी दवाइयों के जो मैंने आपको नाम बताए
वो आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं, क्योंकि ये वीडियो हम प्रशिक्षण के हेतु से यानी आपको नॉलेज प्रदान के करने के हेतु से बना रहे हैं। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ सलाह मशवरा करके ही लें, और आपके शहर में जो भी अच्छा आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है उसको आप थायराइड आपको है तो उसको आप जरूर मिलें। 6 महीने से 1 साल के वक्त में आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, आप अगर हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं अपने थायराइड के लिए, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करके हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ऑनलाइन दवाइयां भी मंगवा सकते हैं, और पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में हम ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और काफी सारे थायराइड के पेशेंट जो है वो आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हुए हैं। तो आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में बात की है हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आपके कमेंट्स आपके सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते नया डिसीज के साथ आपके साथ मिलते हैं। दोस्तों, जरूर बताइएगा आपको 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 हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शीतल सोनी है, मैंने यहाँ आयुर्वेद की दवाई करवाई थायराइड की, तो मेरा थायराइड कंट्रोल में आ गया, लेकिन मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ। मेरी नस यहाँ शोल्डर में दब गई थी, तो मैंने रिपोर्ट करवाया, फिर सर ने मुझे दवाई दी और कुछ लेप और सब दिया, तभी वो बहुत कंट्रोल में है। अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मेरे हाथों में भी स्वेलिंग आ रही थी, अभी वो भी नहीं हो रहा है और एकदम नॉर्मल हो रहा है। मेरा हाथ भी बराबर मूवमेंट कर रहा है। थैंक यू मिस्टर।